रोहित जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित नायरा, सर मैं शाहजहाँपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने मेरे अपनी स्कूली पढ़ाई शाहजहाँपुर ज़िले से की है। सर उसके बाद मैंने बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से बीए किया है। सर वर्तमान में मैं जनपद पंचायत सुजनेर में आगरमालवा ज़िले में सहायक विकास विस्तार अधिकारी पद पर कार्यरत। मेवाड़ा, ये कैसा सरनेम? सर ये मेवाड़ जो राजस्थान का एक प्रदेश रहा है उससे संबंधित है। तो मेवाड़ की कौन सी कथा बहुत इतिहास में बहुत कौन सी बातें चर्चित हैं? सर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो काफ़ी फेमस है। हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं इसको? सर वहाँ पे जो मिट्टी है जो लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके हल्दी जैसा कलर होता है सर, उसकी वजह पीली पाई जाती है सर। जी सर। अच्छा। और सर जो वहाँ पे युद्ध हुआ था उसकी वजह से उसका ऐसा कहा जाता है कि उस इतना रक्तपात हुआ कि उसका कलर थोड़ा हल्दी मिट्टी। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का ODOP क्या है? सर प्याज। इसके पहले क्या था? सर इसके पहले वो संतरा था सर। संतरा था। आप किसका हो गया संतरा? सर आगरमालवा में चला गया सर। आगरमालवा वो एक और जगह का है संतरा? सर छिंदवाड़ा का जहाँ तक सर मुझे पता है, सर सतपुड़ा ऑरेंज करके सर ब्रांड है। बिल्कुल ठीक। आप सहायक विकास विस्तार अधिकारी हैं जनपद पंचायत में सुसनेर में? जी सर। बताइए प्रमुख कार्य क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर जो जनपद पंचायत के कार्य हैं, जो सच ग्राम पंचायत सचिव होते हैं और मनरेगा के जो ग्राम रोजगार सहायक हैं, सो उनके कार्यों का निरीक्षण मुख्यतः इसके तहत होता है। शासन की योजनाओं का पर अमल किस प्रकार से करते हैं आप? सर अभी तो मैंने सर ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम समय नहीं हुआ है, लेकिन सर यही है कि सर जो योजनाएं हैं उनका कार्य पूर्ण हुआ है नहीं उसका निरीक्षण करना और मॉनिटरिंग करना सर यही काम। अच्छा अच्छा अच्छा। पंचायतों द्वारा कौन कौन सी शासकीय योजनाएं लागू की जा रही हैं जो सफल हो गई हैं? बिल्कुल सर, स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी सफल रहा है और सर PM आवास योजना भी काफ़ी सफल रही है। ग्रामीण अंचलों में है PM आवास योजना? जी सर। काफ़ी बने आवास इनके? सर जो अभी डाटा आया था उसके अनुसार सर 40 लाख के आसपास जो मकान है मध्य प्रदेश में बने हैं सर। नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे हैं कि नहीं? शहरों में तो बने हुए हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बन रहे हैं वहाँ पे भी? जी सर। अच्छा, किन्हें दिए जाएंगे ये मकान? सर जो गरीबी रेखा से नीचे और जिनके जो सर कच्चे मकान हैं या फिर जो बेघर हैं सर उनको, BPL और छतविहीन लोग। जी सर। NEP? जी सर। क्या खासियत है इस शिक्षा नीति की? सर जो पहले शिक्षा नीति आई थी उसमें सर फ्लेक्सिबिलिटी जो थी सर, जैसे स्कूली शिक्षा जो पहले थी उसमें सर चेंज किया गया है, साथ में सर उच्च शिक्षा में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखा गया है। सर मातृभाषा के उपयोग पे ज़्यादा बल दिया गया है, साथ में सर जो जो रोजगार मूलक सर शिक्षा है उस पर भी सर बल दिया गया। कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है NEP में। जी सर। क्या क्या गया है? सर जो जो मिडिल स्तर से जब जो शिक्षा रहती है सर उसमें जो कढ़ाई बुनाई और सर जो रोजगार मूलक सर जो कौशल विकास के लिए जो शिक्षा है उसको सिखाने पर प्रयास किया जा रहा है। कितने ITI खोल दिए गए हैं? सर डाटा तो मुझे पता नहीं। 30,000 तो कुशल हो जाएगा अपने यहाँ का युवा ना, बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी उसमें। आर्थिक महाशक्ति भारत बन जाएगा, किस प्रकार से बन जाएगा? सर जैसे हमारा लक्ष्य भी है सर $5 trillion इकोनॉमी, और सर अभी 1-2-3 साल में सर हम 30 की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसलिए सर कहा जा रहा है। कैसे बनेंगे वही तो पूछा है, क्या क्या प्रयास कदम उठाए हैं सरकार ने, कौन सी योजना चालू कर दी है? सर काफ़ी जैसे PLI स्कीम है सर उद्योगों के लिए, सर सेवा क्षेत्र के लिए जो सेमीकंडक्टर इंडिया प्लान है, और सर कृषि के लिए हमने जो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं उनके द्वारा सर हम प्रयास कर रहे हैं इसके। अच्छा। और सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी सैन्य ताकत बन जाएगा भारत, किस प्रकार से? सर जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का प्लान है
सर उसके द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं। CDS का सर पद हमने सृजित किया है और सर थिएटराइजेशन सर उसको भी मतलब प्रयास चल रहा है सर। और जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें एकीकरण के लिए सर ये प्रयास है और सर जो सैन्य खरीदे उसको भी सुचारू रूप से करने का प्रयास है। कितने पुराने कानून निरस्त कर दिए गए हैं सर? अभी जो आपराधिक कानून संहिता है उनमें चेंज किया गया है सर। 3 आपराधिक संहिता सर लागू की गई है। सर आपको मालूम है संख्या कितने पुराने कानूनों को हटा दिया गया है? सर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं। अच्छा, संसद के द्वार पर कौन सा श्लोक लिखा गया है? सर सत्य में भी हो सकता है सर, एग्जैक्ट मुझे तो नहीं लिखा सर। जो भारत की मूल भावना है संस्कृति की उसका कोई से एक श्लोक है? गेस कर सकता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम सर ये सब गाता है उस श्लोक में, है ना? बिल्कुल सही बताया आपने। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति किस प्रकार से भारत को सक्षम बना रही? पुरानी विदेश नीति और वर्तमान विदेश नीति में क्या अंतर नजर आता है आपको? सर जो एक्टिव प्रयास सर किए जा रहे हैं, साथ में सर प्रवासी भारतीयों को लेकर और सर सैन्य उसका सर जो सैन्य सर सैन्य जो मुद्दा है उसको ध्यान में रखा जा रहा है जिससे सीमाएं सुरक्षित रहें पाकिस्तान के खिलाफ, सर इसे देखा जा सकता है। साथ में सर आर्थिक जो FTA हैं ने सर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ और ब्रिटेन के साथ सर अभी प्रयास किया जा रहा है, EU के साथ भी हम कर रहे हैं और सर उसके साथ जो सॉफ्ट पावर है सर हमारी योगा और आयुर्वेद को सर उसको भी बढ़ाने का प्रयास है। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने। डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है कई क्षेत्रों में, क्या लाभ हुआ इसका? सर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाया गया है उसके सर जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो आम नागरिक है सर उनको सुविधा हुई है। साथ में सर सरकार को भी इसमें टैक्स इवेजन और सर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में सहायता मिली है सर। उसके साथ जो अर्थव्यवस्था है सर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उसको औपचारिक बनाने में सर इसका योगदान है। कम समय में अब जेब में कोई पैसा रखता ही नहीं है, जी सर, है ना? फोन पे और इससे मोबाइल से चले ऑनलाइन कर देते हैं अपन सब पेमेंट। जी सर काफ़ी सुविधा हो गई है ना, तो सुविधाजनक मतलब समय की बचत, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज़ है बहुमूल्य तो समय है, उसी की बचत पर ध्यान गया इस योजना से। स्टार्टअप क्या होते हैं सर? ये जो नवीन प्रौद्योगिकी या फिर नवीन कुछ उत्पाद है उसको लेकर सर अगर कोई कंपनी नहीं खड़ी होती है सर उसको स्टार्टअप कहा जाता है। नवकरणीय विचार, जी सर नवकरणीय विचार आइडिया है ना, आइडिया सर उस पर अमल करते हैं। जो यूनिकॉर्न है कितनी पूंजी से चालू होता है? सर ये प्राइवेट कंपनी होती है जो सर लगभग $1 बिलियन जिनका वैल्यूएशन होता है सर उनको कहा जाता है। पूंजी प्रवाह इतना होता है जी सर उनको, है ना? भारत की कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न है सर? अभी तो 67 के आसपास है सर। अरे बेटा डाटा आया था जिसका मतलब आधा कर दिया लगभग आपने तो सर। जो अभी नया डाटा है जो प्राइवेट 113 का पुराना डेटा मैं बता रहा हूँ जी सर, सरकार के हिसाब से सर 113 है। और सर जो अभी कोई US की कंपनी थी सर उसका डाटा भी मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पहले स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए सर। ऐसा तो सर मुझे ध्यान नहीं है, रिकॉल नहीं है। ध्यान नहीं है कोई बात नहीं सर। रोहित जी आपके फादर का नाम क्या है? ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश नाम के कोई एक्टर भी रहे क्या सर? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं। अच्छा रोहित से है, रोहित शर्मा जी सर। क्या है अभी वर्तमान में? सर वर्तमान भारतीय जो क्रिकेट टीम है पुरुष क्रिकेट टीम उसके सर कप्तान है। अच्छा इनकी कैप्टेंसी जो है उसकी क्या खासियत है? हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुँच गए थे और लगभग लगभग जीत भी गए थे जी सर। सर टेक्निकल सर जो रणनीतियाँ सर उनकी काफ़ी प्रभावी रही हैं, खिलाड़ियों को कैसे उपयोग किया जाता है, साथ में उनके खुद के जो रिकॉर्ड हैं सर खुद से लीड करना सर उनके लिए कही जा सकती है। अच्छा आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैं जनपद पंचायत सुसनेर में कर रहा था और सहायक विकास विस्तार अधिकारी के अंतर्गत सर जो ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएँ सर चल रही हैं उनके मॉनिटरिंग का काम है। उनके मॉनिटरिंग का काम करते हैं आप?
कौन सी अभी विशेष योजना चल रही है आपकी सुसनेर में? सर जो ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो स्वच्छ भारत अभियान है, और सर अभी सर जो संपत्ति वाला संपत्ति कार्ड के वितरण का सर वो भी है, और सर पीएम आवास योजना है, और मनरेगा भी सर उसी के अंतर्गत। रोहित, आप जैसे बिल्कुल एकदम ग्रास रूट लेवल पे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या समस्या आती है कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करते समय, हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? सर अभी जो मैंने देखा सर कुछ दिनों से, सर बजट की काफ़ी समस्या रहती है। जो योजनाएं हैं सर, वो योजनाएं लागू करने में उनको बजट की काफ़ी समस्या आती है। अरे तो करप्शन रहता है, ऊपर खा जाता है, नीचे तक पहुंचता ही नहीं, सही बात है क्या? नहीं सर, जो टारगेटेड आते हैं सर, वो जो ऊपर से जैसे जो केंद्रीय योजनाएं हैं सर, टारगेटेड योजना आती है कि इतनी संख्या में जो आवास बनाने हैं, तो उसकी वजह से मांग काफ़ी ज़्यादा है सर, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बजट की समस्या रहती है। और सर स्टाफ की भी काफ़ी कमी है सर, मैंने जो अभी देखा। अच्छा, शाहजहाँपुर जो है उसमें तीन समस्याएं बता दीजिए, क्या क्या समस्याएं मुख्य पर? सर कृषि से रिलेटेड हैं, जैसे सर भूजल की काफ़ी कमी है, तो काला जिला क्या शासन द्वारा क्या प्रयास करा जा रहा है भूजल को जो है वापस नियंत्रण करने के लिए? सर जो कृषि में सर जो सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग हैं सर, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में सर जो खेत तालाब योजना है और बलराम ताल योजना है सर, अभी जो कब लॉन्च करी गई थी खेत ताल योजना? खेत ताल योजना जी सर 2007-08 में लागू हुई थी, और सर अभी जो अमृत सरोवर योजना है सर, उसके तहत भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है सर, प्लीज़। रोहित जी। जी सर। बेटा आप मुझे ये बताइए, आप जनपद पंचायत में है ना, और विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आप, सबसे पहले बताओ बेटा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? सर ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पर होती है, जनपद पंचायत ब्लॉक और विकासखंड के स्तर पर होती है सर, और जनसंख्या के हिसाब से सर लगभग 5,000 जनसंख्या के जो नीचे हैं सर उन पे ग्राम पंचायत होती है, और उसके ऊपर सर 50,000 के ऊपर ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत होती है। और जिला पंचायत? सर जिला पंचायत 5,00,000 से ऊपर सर होती है। अच्छा, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें हैं और जिला पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में? सर ग्राम पंचायत लगभग 23,000 हैं, और जनपद पंचायत 313 हैं, और सर जिला पंचायत अभी 55 हो गई है सर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की वर्तमान में कैसी है, विशेषकर मध्य प्रदेश के आस्पेक्ट में? आपको मध्य प्रदेश ही है, बताइए मध्य प्रदेश के आस्पेक्ट से बताइए आप। सर अभी जो मध्य प्रदेश में है पिछले काफ़ी सालों से सर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि सर कृषि आधारित है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, और जो हमारा जी फिगर्स बता पाएंगे कि पूर्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की ये थी, वर्तमान में ये है? सर लगभग जो जीडीपी में योगदान था सर अभी 2011-12 के आसपास सर 39-40% था, और अभी सर 46% हो गया है कृषि। माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? सर व्यक्ति के स्तर पर, सर मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ व्यक्ति के स्तर पर जिसको जो एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था होती है उसको सर माइक्रो बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि हम देश भारत देश के साथ कंपेयर करें, अन्य राज्यों के साथ कंपेयर करें, क्या आपको कुछ दिख रहा है मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनसे ज़्यादा है कम है? सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैसे सर कृषि है उसमें सर विकास हुआ है, लेकिन जो माइग्रेशन है सर वो माइग्रेशन भी नहीं, हम ओवरऑल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर ऐसे डाटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से देखें तो कृषि में ज़्यादा विकास हो रहा है, इसलिए जो मध्य कृषि में विकास हो रहा है, किस एस्पेक्ट में विकास हो रहा है? सर जो कृषि उत्पादन है सर हम 3rd नंबर पे आ गए खाद्यान्न उत्पादन में, और सर जो दुग्ध उत्पादन है सर उसमें भी 3rd नंबर पे हम आ गए, उसकी वजह से सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, और जो उद्योग हैं सर उस तुलना में सर कृषि की तुलना में उतने विकास नहीं कर पा रहे। अच्छा, ग्रामीण उद्यमिता के ऊपर क्या वर्तमान में स्थिति है? सरकार के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम जो हैं, बताइए कुछ स्कीम्स के बारे में ग्रामीण उद्यमिता के लिए। सर जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कई सारी जो माइक्रो उद्यमों को सर टारगेट करते हैं। अब देखो माइक्रो उद्यम, अब आपने बताया इसके पहले गलत आंसर दिया था माइक्रो का। जी सर, सर मुझे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सर लगा था। हाँ ठीक है, चलिए बताइए। सर जो टांटिया भील्स और राजगुरु योजना है, भीमराव अंबेडकर योजना है, और सर अभी रविदास उद्यमिता की, भीमराव अंबेडकर जी की क्या योजना है ग्रामीण उद्यमिता? सर जो SC कम्युनिटी के सर जो लोग हैं उनके लिए सर स्वरोजगार के लिए
इसमें ऋण दिया जाता है, जो ऋण है वो अनुदान के रूप में, और सर जो छूट दी जाती है सर ऋण में उसको लेकर दिया जाता है। अच्छा बेटा, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? सर सॉरी मुझे ध्यान नहीं। सामाजिक सुरक्षा विधवा योजना क्या है? सर जो विधवा हैं उनको सर जो पेंशन जहाँ तक नहीं, नहीं नहीं वो तो सामाजिक सुरक्षा निशक्त पेंशन योजना अलग है। नहीं सर सॉरी सर मुझे भी ध्यान नहीं, देखूंगा सर। अच्छा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना भी है एक, वो किसके लिए? सर विधवाओं के लिए। विधवाओं के लिए और अविवाहितों के लिए भी है कुछ? अविवाहितों के लिए सर मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा सबसे एक फेमस योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, तो उसकी क्या है कंडीशंस, किस किस आधार पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो लाडली लक्ष्मी का? सर 2007 में ये लागू की गई थी, और सर दो बच्चियां जिनकी हैं माता पिता, और दो से ज़्यादा बच्चियां नहीं होनी चाहिए, और सर इनकी जो बालिका हैं उनकी शिक्षा और आगे उनको शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सर बॉन्ड जो बचत पत्र है सर उनको खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। अच्छा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कुछ एज लिमिट भी है? सर सर डाटा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।